परत जब वलीद आ गया था तो चली जाती साथ। क्या चाहते वहां रहती, मुझे मुनासिब नहीं लगा, मैं यहीं ठीक हूँ। तुम्हें भी मेरी तरह अम्मी के सामने जाने से झिझक हो रही। परत ये वही घर है ना जहाँ से मैंने और तुमने अम्मी का सामान पैक करके अस्मा भाभी के घर छोड़ दिया था। आज हम उसी घर से दरबदर हो रहे हैं। आसिफ, मैं ऑलरेडी बहुत डिप्रेस्ड हूँ, तुम प्लीज ये बातें दोहराकर मुझे मजीद डिप्रेस मत करो। परत, अगर मैं तुमसे ये बात नहीं करूंगा तो मैं किससे बात करके अपना दिल हल्का करूं? मुझे रह रहकर ये ख्याल आ रहा है कि ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि हमने अम्मी के साथ बुरा किया। बस अब तुम वापस आओगे ना तो हम एक दफा अम्मी के पास जाके उनसे माफी मांग लेंगे, हमारा दिल हल्का हो जाएगा। देख लो आखिर में कौन काम आया, वही लोग काम आए ना जिन्हें हम छोड़ रहे थे। काश ना मैं दुकान छोड़ता, ना मैं अपना हिस्सा मांगता और ना अलग होने की बात करता। सही कह रहे थे।